हेल्थ टॉक पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे केले के फेस पैक लगाने के कौन कौन से फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो केले का फेस पैक आपने इस्तेमाल किया होगा। केले के अलावा बहुत सारे और भी फेस पैक होते हैं। स्वस्थ और सुंदर दिखने की चाहत हर किसी को होती है। खूबसूरत दिखने के लिए लोग कई तरह के क्रीम और अन्य सामान को काम में लेते हैं। इसके अलावा फेस पैक भी दमकती त्वचा पाने का एक अच्छा और बेहतरीन तरीका है। फेस पैक कई तरह के हो सकते हैं, जैसे केले का फेस पैक हो, शहद का, इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी का और नीम का फेस पैक और अन्य कई सारे और भी फेस पैक होते हैं। तो केले के फेस पैक की हम बात कर रहे हैं, इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो स्किन को ये ग्लो करता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को डिटॉक्सिफाई करके चेहरे पर मौजूद विषाक्त प्रदूषकों और मर्द कोशिकाओं को हटाते हैं। ये चेहरे को जरूरी पोषक तत्व देता है जिससे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। केले में विटामिन सी होता है जो स्किन को ग्लो करने के लिए जाना जाता है। विटामिन सी चेहरे को निखारने में मदद करता है जिससे चेहरा चमकता हुआ नज़र आता है। मुहासों की समस्या से परेशान लोगों के लिए केले का फेस पैक बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें एंटी एक्ने के गुण होते हैं जिसकी वजह से चेहरे पर बार बार होने वाले पिंपल्स से बचने में हमें मदद मिलती है। इसमें जिंक एलिमेंट भी होता है। केले को बढ़ती उम्र से बचाव के लिए भी जाना जाता है। इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं जो चेहरे को जवान दिखाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी एंटी एजिंग की तरह काम करता है। विटामिन सी फाइन लाइंस को कम करता है, साथ ही त्वचा में कसावट लाने और सूर्य की किरणों से चेहरे को बचाने का काम करता है। केले का फेस पैक इस्तेमाल करने के साथ ही आप इसका सेवन करके भी इसके फायदे ले सकते हैं। केले को चेहरे की नमी देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को आवश्यक पोषक तत्व देकर इसे मॉइस्चराइज करते हैं। केले के विभिन्न फेस पैक के बारे में बात करते हैं। एक केला, एक चम्मच ओटमील और एक चम्मच शहद लेकर इन सबका पेस्ट बनाएं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप इस मिश्रण को हल्के हाथों से अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखने के बाद आप अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। एक पका हुआ केला, एक बड़ा चम्मच मलाई और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ या गुलाब जल लेकर इन सबको अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें। अब मलाई उपलब्ध नहीं हो तो आप मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद पूरे चेहरे को आधे घंटे बाद पानी से धो लें। एक चम्मच केले का पेस्ट, एक चम्मच दही और एक चम्मच खीरे का रस लेकर इन सभी को एक साथ मिक्स कर लें। इसे अच्छी तरह से फेंट कर मास्क तैयार करें। पेस्ट तैयार होते ही इसे हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद धो लें। एक केला, एक चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच पानी और एक चम्मच शहद लेकर इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लें। इसके बाद पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं और सूखने के बाद त्वचा को अच्छी तरह से धो लें। दो चम्मच केले का पेस्ट, दो विटामिन ए की गोली और ऑयल की कुछ बूंदें ले सकते हैं। इसके अलावा शहद लेकर इन सब का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे बाद आप त्वचा को धो सकते हैं। एक चम्मच केले का पेस्ट, एक चम्मच शहद और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इन सभी को मिलाकर एक अच्छा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को आप करीब 20 मिनट तक चेहरे पर लगाए रखें। इसके बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। केले का फेस पैक लगाते समय नरम ब्रश या हल्के हाथों का इस्तेमाल करें। फेस पैक लगाते समय चेहरे पर अनावश्यक दबाव ना डालें। इसके अलावा त्वचा बहुत ज़्यादा तेलीय हो तो आप मक्खन वाले फेस पैक को ना लगाएं। हल्दी युक्त फेस पैक को एक चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। केले के फेस मास्क में शामिल किसी भी पदार्थ से अगर आपको एलर्जी हो तो उसका इस्तेमाल ना करें। आप फेस मास्क लगाने से पहले ये ठीक तरह से चेक कर लें कि आपकी त्वचा पर कहीं घाव या कट तो नहीं लगा हुआ हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।